हेलो फ्रेंड्स, इजी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों के लिए एक स्पेशल कुकी बनाने जा रहे हैं। इसमें हम एग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम M&M यूज़ करेंगे जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है 1.5 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर मैदा लिया है, तकरीबन हाफ कप के करीब हमने बटर लिया है, सॉफ्टन बटर है, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था। तो 2 टेबलस्पून के करीब हमने मिल्क लिया है, ये भी रूम टेम्परेचर पे है। एंड 1/3 कप हमने शुगर लिया है, 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर एंड 1 टीस्पून के करीब हमने वनीला एक्सट्रैक्ट लिया है। अब हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें हम बटर डाल देते हैं और साथ में शुगर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, बटर को शुगर से अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट, अच्छी तरह मिक्स मिला दें। अब उतनी देर तक अच्छी तरह इनको मिक्स कर लें जितनी देर तक जो शुगर है तो बटर है वो अच्छी तरह से शुगर जो है बटर में डिसॉल्व ना हो जाए। तो इसको आप मिक्स करते रहिए 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लें। डिसॉल्व हो चुकी है, अब हमें इसमें जो 1.5 कप मैदा है वो डाल देते हैं और साथ में बेकिंग पाउडर, इसको भी आप मिला लें अच्छी तरह से। अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे। अब आप अपने हाथ से भी इसको घूम सकते हैं और इसमें हम तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब दूध डालेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लें, मिक्स कर लें। कुकीज़ बनाने के लिए हमारा डो तैयार हो गया है, अब हम इसकी कुकी बनाएंगे। कुकी बनाने के लिए हमने अपने ओवन को 350 डिग्री पर प्री हीट के लिए छोड़ दिया है। कुकी को बेक करने के लिए मैंने एक बेकिंग शीट लिया है और उसके ऊपर ये वैक्स पेपर लगा दिया है, तो सेम कुकी बेकिंग शीट जितना काट लिया है। कुकी को बेक करने के लिए हमने कुकी डो को बॉल जैसी शेप देंगे। आपको जिस साइज़ की बनानी है उतनी आप इसको बॉल शेप दे दें, उतना आप थोड़ा सा कुकी डो लेके इसको बना लें। हमने बॉल्स बना ली हैं, अब हम इनको हल्का हल्का प्रेस करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं प्रेस करना, बिल्कुल हल्का हल्का ही कि 1 इंचिस के करीब जे कुकी का कुकी हो, बिल्कुल ज़्यादा नहीं प्रेस करेंगे। हमने कुकीज बॉल को हल्का हल्का फ्लैट कर दिया, हम अब इसके ऊपर M&M लगाएंगे। हम लगाकर इसको हल्का सा प्रेस कर देते हैं। अब हमने M&M लगा दिए, हमारी कुकी बेक करने के लिए तैयार है। ओवन प्री हीट हो चुका है, अब हम इसमें ओवन में लोअर रैक पर इनको 15 मिनट तक बेक करेंगे। तो अब हम इसको ओवन में रख देते हैं और हमने ओवन को 350 डिग्री पर सेट किया हुआ है। हमारी कुकीज़ बेक हो चुकी हैं, इसको हमने 15 से 20 मिनट तक बेक किया है। अगर आप इनको थोड़ा और ब्राउन करना चाहते हैं ऊपर से, ये नीचे की तरफ से थोड़ी ब्राउन हो चुकी हैं, अगर आप ऊपर से भी थोड़ा सा करना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर ओवन को अपने ब्रॉयल पे भी कर सकते हैं ताकि जो इसका ऊपर वाला भी है वो भी थोड़ा ब्राउन हो जाए। अब हम इनको ठंडा होने के लिए 10 मिनट तक साइड पर रख देते हैं, फिर इनको सर्व करेंगे। एगलेस कुकीज़ बनकर तैयार हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आप अपने बच्चों को ये कुकीज़ सर्व करेंगे उन्हें बहुत ही पसंद आएंगी। आप इनको किसी भी साइज़ में, थोड़ा बड़ा साइज़ या स्मॉल साइज़ में इसको बना सकते हैं। अगर आप M&M डो के बीच में भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।